हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। एक यूनिट में दो चैप्टर होते हैं, तो यूनिट 1 का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम है आइसक्रीम मैन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड इन्जॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। अब हमारी पोएम पढ़ते हैं। पोएम से पहले यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दे रखा है, हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, ऐसी क्या चीज़ है जो ठंडी है, कोल्ड है, स्वीट है, मीठी है और क्रीमी है, और उसे खाने में मज़ा आ जाता है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। सबकी फेवरेट ट्रीट स्पेशली गर्मियों के दिन में वो है एक आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और गर्मियों के टाइम में सबका फेवरेट आदमी, फेवरेट पर्सन आइसक्रीम मैन ही होगा। अब हमारी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम हमारे इस पोएम पे आते हैं। ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ पेज की पोएम है। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोस रनिंग डाउन द स्ट्रीट। व्हेन समर्स इन द सिटी, जब सिटीज़ में समर आती है, गर्मी आती है, एंटर करती है, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और जब ब्रिक्स होती है उनमें से किरण निकलती हैं, ब्लेज निकलती हैं गरम गरम, तभी द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, उस टाइम पर आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट को लेकर गोस रनिंग डाउन द स्ट्रीट, गली गली उसे छोटी सी कार्ट को लुढ़काते हुए ले जाता है। रनिंग मतलब लुढ़काना। हमारे फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट है। बिनेथ हीज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। बिनेथ हीज राउंड अम्ब्रेला, उसकी गोल छतरी के नीचे, बिनेथ मतलब होता है कुछ इस शेप का, अम्ब्रेला इसी शेप की होती है ना, ऐसे करके ऐसी हमारी अम्ब्रेला होती है। बिनेथ हीज राउंड अम्ब्रेला, उसकी राउंड अम्ब्रेला के नीचे, बिनेथ मतलब होता है उसके नीचे, राउंड मतलब होता है ऐसा शेप। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, आहा क्या क्या आनंदित दृश्य है, मतलब क्या जॉयफुल साइट है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, उनको कोन्स होता है, कोन्स जैसे कि ये पार्ट है ना, ये है हमारा कोन, मैं ब्लैक पेन से समझाता हूँ आपको, ये है पार्ट, ये हमारा कोन है, ओके, ये नीचे का पार्ट है कोन। अब इसके ऊपर वो जो ये वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं माउंट्स, इसे भी कहते हैं, और जो वो माउंट्स को फिल करने के लिए एक टूल टाइप आता है, एक स्पून टाइप आती है, उसे भी हम माउंट्स कहते हैं। तो वो कलरफुल ठंडी ठंडी माउंट्स को ब्राउन एंड वाइट कलर की डालते हैं कोन के ऊपर, उसे देखने में कितना मज़ा आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। वेनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, उनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, जिनमें से एक है वेनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उनके पास कुछ चिली थिंग्स भी है पीने के लिए, चिली थिंग्स टू ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स भी हम कह सकते हैं। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, वो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक्स की, चिली ड्रिंक्स की, वो पूरी फ्रॉस्टी फीज से ऊपर तक भरी है, मतलब टॉप तक भरी है, ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक, उनके कलर क्या है, ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक, जैसा कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं कि उनके पास ये एक ठंडा सा आइस कैन रहता है, यहाँ पर इसके अंदर तो हमारी आइसक्रीम्स रहती हैं, और यहाँ पर उनके पास कुछ पीने के लिए चिली थिंग्स भी हैं, ये इनके ऊपर तक पूरा फ्रॉस्टी फीज यहाँ पर पॉप 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 भरा होता है फ्रॉस्टी फीज से, और इनके कलर क्या है, ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक, ये इनके कलर हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उनकी कार्ट एकदम फ्लावर बेड की तरह है, ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, जिसमें रोजेस भी हैं स्वीट पीस भी हैं। यहाँ पर फ्लावर बेड किसे कहा गया है, हमारी कार्ट को, ओके, और रोजेस कहा गया है यहाँ पर आइसक्रीम को, एंड स्वीट पीस चिली ड्रिंक्स को। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज,
मतलब और चिल्ड्रन जैसे कि हनी बीज फ्लावर बेड पे हमला बोल देती हैं जैसे ही उन्हें कोई फ्लावर बेड दिखता है, तो वैसे ही बच्चे भी आइसक्रीम कार्ट को देखकर हल्ला बोल देते हैं, उसके चारों तरफ क्लस्टर हो जाते हैं। क्लस्टर मतलब गैदरिंग अराउंड, मतलब किस चीज़ के चारों तरफ होना कोई भी सेम चीज़ की। फिर हमारे पोएट हैं इस पोएम के रेचल फील्ड, क्या है रेचल फील्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। हमारे न्यू वर्ड, फर्स्ट न्यू वर्ड है ब्लेज। ब्लेज मतलब क्या होता है, ब्राइट फ्लेम और फायर। जैसे कि आपको पता होगा कि दिवाली आती है उसमें हम दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो दीपक कुछ ऐसा होता है, दीपक कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं उसको इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे। तो इसमें जो हमारे टॉप वाला पार्ट होता है ना, ये होता है फ्लेम, ब्राइट फ्लेम और फायर, ब्लेज मतलब ये होता है। फिर आता है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग मतलब मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। छोटे छोटे टायर होते हैं पर मोटे होते हैं, और उन्हें हिंदी में हम इसे कह सकते हैं लुढ़काना, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, इसे कहते हैं हम ट्रंडलिंग। फिर आता है हमारा माउंट्स। माउंट्स मतलब होता है हिप या फिर पाइल, छोटे छोटे कुछ इस टाइप के जो फिगर होते हैं ना उसे हम कहते हैं हिप या फिर पाइल, माउंट्स। अच्छा, हम हिंदी में कह सकते हैं टीला, टीला कह सकते हैं, टीला कहते हैं। फ्रॉस्टी फीज, अब फ्रॉस्टी फीज मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बना देते हैं, एक सेकंड में, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है समझ लीजिए, तो यहाँ तक उसमें कोल्ड ड्रिंक होती है और उसके ऊपर फ्रॉस्टी फीज भरी होती है बहुत सारी। जब हम उसे खोलते हैं, कैप को अनलॉक करते हैं, तब उसमें बहुत सारी आवाज़ भी आती है, और कई बार अगर ज़्यादा होती है तो वो बाहर भी निकली आती है प्रेशर से। तो पॉपअप जो होती है उसे हम बोलते हैं फ्रॉस्टी फीज। चिल्ड ड्रिंक मेकिंग हिसिंग बबलिंग साउंड, मतलब कोई ठंडी चीज़ हिसिंग या फिर बबलिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं फ्रॉस्टी फीज। सॉरी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर मतलब क्या होता है, मतलब जैसे यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कुछ चीज़ रखी है, उसके चारों तरफ बहुत सारे मॉस्किटोज आ रहे हैं, एग्जांपल में मॉस्किटोज आ रहे हैं बहुत सारे, तो मतलब मॉस्किटोज आर गैदरिंग अराउंड, ये समझ लीजिए पॉट है, मॉस्किटोज आर गैदरिंग अराउंड पॉट, मतलब मॉस्किटो क्लस्टर हो रहे हैं पॉट की चारों तरफ। तो गैदरिंग अराउंड मतलब सारे मॉस्किटोज हैं, गैदरिंग अराउंड मतलब चारों तरफ इकट्ठा होना, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। सभी मॉस्किटो ऐसे थे नहीं ना, कोई कैटरपिलर है, कोई बटरफ्लाई है, सभी मॉस्किटोज हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मतलब एक ही चीज़। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उन्हें भी रीड कर लेते हैं। रीडिंग इज फन नाम से यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ब्लू पेन लेता हूँ। इन विच सीज़न इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से सीज़न में आइसक्रीम पॉपुलर होती है। हम गर्मियों के सीज़न में आइसक्रीम खाते हैं, सबको पता है, और हमारे पोएम के स्टार्टिंग की लाइन में लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में लिखा है, व्हेन समर्स इन द सिटी, मतलब समर्स में ही हम आइसक्रीम को खाते हैं, तो मतलब समर्स में पॉपुलर होती है आइसक्रीम, तो इसका आंसर होगा समर, इसका आंसर होगा समर। हम लिख सकते हैं आइसक्रीम इज पॉपुलर, हम क्वेश्चन में से ही आंसर बनाएंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम आइसक्रीम इज ले लेंगे, फिर पॉपुलर इन समर सीजन, बस हमें समर ऐड करना है, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देखने पर कौन जॉयफुल फील करता है, कौन करता है, चिल्ड्रन करते हैं, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड है हमारा, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट, ऐसे हमें फ्लेवर्स के नाम बताने हैं जो आइसक्रीम मैन के कार्ट में। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पोएम को अच्छी तरह समझा है, रीड किया है, तो आप इनके आंसर इजीली दे सकते हैं, अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके वापस से देखिए। तो थ्री फ्लेवर्स के नाम है वेनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, जैसा कि हमारी पोएम से ही है, ये सारे क्वेश्चन पोएम में भी लिखा है, देखिए।
वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट आर वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, या फिर वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। ये भी हो गया, ये दोनों टाइप ही सही है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। जैसा कि हमारी ड्राइंग था, फर्स्ट पेज में ड्राइंग थी, उसके हिसाब से उसको देख के भी हम बता सकते हैं या फिर पोएम को पढ़ के भी हम बता सकते हैं। द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आर आइसक्रीम एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक भी कहते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। लास्ट में हमने देखा था कि हमारी कार्ट को कंपेयर किया गया है। हमारी कार्ट को कंपेयर किया गया है फ्लावर बेड से। द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम विथ फ्लावर बेड। यहाँ पे हम हमारी पोएम में भी देख सकते हैं, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। यहाँ पे बताया गया है कि उसकी कार्ट एक फ्लावर बेड की तरह है, तो इसका मतलब है कि फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम विथ फ्लावर बेड। ये हो गया हमारा चैप्टर, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ये हमारे एक्सप्लेनेशन एंड सम क्वेश्चंस आर डन। अगली वीडियो में हम इसके बुक के टेक्स्ट बुक के आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक।